महाराष्ट्र के शहर अकोला में भी सुल्तानुल हिंद की शान में गुस्ताखी करने वाले अमीश देवगन के खिलाफ एहतजाज किया गया। अकोला में जन सत्याग्रह संगठन की जानिब से अमीश देवगन की गधा यात्रा निकाली गई और साथ ही अमीश देवगन के पोस्टर को चप्पलों से मारते हुए एहतजाजियों ने अपने गुस्से का इजहार किया। बाजाजा संगठन की जानिब से अकोला जिला अहदेदार के तौसुस से सदर जमहूरिया को शिकायत की गई, जिसमें अमीश देवगन को सख्त सजा देने की मांग की गई। इस मौके पर संगठन के अरकान और आम शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। एहतजाज के बाद मीडिया से बात करते हुए जन सत्याग्रह संगठन के कौमी सदर आसिफ अहमद खान ने वार्निंग दी कि अगर जल्द ही अमीश देवगन के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। फिर ये नामकूफ, ये बेवकूफ़, ये गधा अमीश देवगन कौन होता है जिसने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की है? यकीनन इसे कुदरत अपना नज़ारा ज़रूर बताएंगी। आने वाले वक्त में लोग अपनी आंखों से देखेंगे कि इसका हाल क्या हुआ है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी थी कि हम इस कमीने के खिलाफ एक कम्प्लेन करें जो लिखित रूप में हमारी कम्प्लेन हो। हमने ये कम्प्लेन जन सत्याग्रह संगठन के माध्यम से राष्ट्रपति जी को निवेदन देकर सौंपा है और अकोला कलेक्टर साहब के मार्फत ये निवेदन गया है, जिसमें मांग की गई है कि इस कुत्ते के खिलाफ, इस कमीने के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को मानने वालों में सिर्फ मुसलमान ही नहीं है बल्कि इस दुनिया में जितने भी धर्म जाति के लोग होंगे वो सब के सब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को मानते हैं। उनकी अपनी आस्था उनसे जुड़ी हुई है। आप अगर इंटरनेट पर जाकर देखोगे तो आपको मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुओं के वीडियो नज़र आएंगे जिन्होंने इस अमीश देवगन के खिलाफ में बहुत कुछ बोला है। ख़ास करके मैं उन राजस्थान की बहनों से गुजारिश करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अमीश देवगन को अपनी औकात याद दिला दी है।